नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 1277 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 208,238 तक हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,337 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 308 नए कोरोना मरीज मिले हैं, और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,011 तक पहुँच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 1100 लोग कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिहार चुनाव 2020 को लेकर चिराग पासवान ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। चिराग ने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। वही विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान से आशीर्वाद भी लिया। आइए जानते हैं लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट की प्रमुख बातें। तो सबसे पहला, बिहार में लोजपा की सरकार बनने पर अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा। बिहार में सभी जिलों में लोजपा की सरकार बनने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। बिहार में समान वेतन लागू किया जाएगा। बिहार में सभी सरकारी पदों को सरकार बनने तक भरा जाएगा। बिहार में लोजपा की सरकार बनने पर युवा आयोग का गठन किया जाएगा। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बिहार में कोटा की तर्ज पर कोचिंग फैक्ट्री लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में दो बड़ी परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित होने जा रही है। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय बहाली मुख्य परीक्षा और बिहार पुलिस अवर चयन आयोग की दारोगा मुख्य परीक्षा एक ही दिन यानी 29 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। परीक्षाओं के एक दिन कराने के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर हमला बोला है। इस फैसले का विरोध करते हुए राजद ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राजद ने कहा कि बिहार के युवा कब तक बर्दाश्त करेंगे, सीएम को बिहार के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। बता दें, इससे पहले बिहार दारोगा मुख्य परीक्षा 11 अक्टूबर और बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर को होने वाली थी, जो कि चुनाव के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, इस पत्र को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया है। घोषणा पत्र का नाम बदलाव पत्र रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, नेता और अभिनेता राज बब्बर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में किसानों, बिजली और युवतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों की कर्ज माफी, बिजली दरों में आधे कटौती और बेटियों को इंसाफ पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारों को 15,000 रुपये मासिक भत्ता देने, केजी से पीजी तक बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, स्कूलों में मैथिली भाषा अनिवार्य विषय करने, 12वीं में 90% से अधिक लाने वाले छात्राओं को स्कूटी देने, 18 महीने में 2,42,000 शिक्षकों पदों पर बहाली, देवालय यात्रा योजना, सियाराम तीर्थ योजना और सूपी विकास योजना पर घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करने वाली है। जी हां, जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने दी है। उन्होंने बताया कि पटना के होटल चाणक्य में सुबह 10 बजे बीजेपी के घोषणा पत्र का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत प्रदेश के कई नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई और 10 नवंबर को नीतीश चाचा की विदाई तय है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल चुनावी जनसभा में यह बात कही है। वे सासाराम, औरंगाबाद, दाऊदनगर और कुर्था में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ महागठबंधन और राजद के उत्साह को बढ़ा रही है। सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव ने पूछा कि जब लॉकडाउन हुआ तो नीतीश जी कहाँ थे, शिक्षा रोजगार का हाल बुरा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवा भी नहीं मिल रही है, नीतीश सरकार के पास ना तो कोई मिशन है और ना ही कोई विजन है, उन्होंने 15 साल तक सूखा शोक भोगने और बिहार के गरीबों को छलने का काम किया है। अब हम आपको बिहार के एक चौंका देने वाली खबर को बताएंगे। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव में अब तक 35 करोड़ रुपए की बरामदी हो चुकी है। यह राज्य में पिछले 3 चुनावों से अधिक नकदी बरामद हो। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में चुनाव को निष्पक्ष और भयरहित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब तक 35 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2015 में 23 करोड़ रुपये, लोकसभा चुनाव 2019 में 16 करोड़ रुपये और लोकसभा चुनाव 2014 में 8 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, अब तक नीतीश सरकार के मंत्री का ही विरोध होता आ रहा था, लेकिन अब मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर का भी विरोध शुरू हो गया है। ताज़ा मामला भोजपुर जिले का है, जहां भाजपा सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। उन्हें काला झंडा दिखाकर नाराज लोग मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से अपने राजनीतिक सफर शुरू काले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से विधायक बनने के लिए मैदान में है। पप्पू यादव ने सिंहेश्वर विधानसभा से अपना राजनीतिक सफर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शुरू किया। सपा व राजद में रहने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और फिर साल 2015 में जन अधिकार पार्टी बनाई। जन अधिकार पार्टी के टिकट पर पप्पू यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव मधेपुरा से लड़ा और हार गए। एक बार फिर मधेपुरा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरे हैं। अगली बड़ी खबर, परसा विधानसभा क्षेत्र के डेरनी में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार ने लालू की पतोही ऐश्वर्या के साथ हुए व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। इंटर और स्नातक करने वाले लड़कियों को मिलने वाला पैसा दोगुना करने का वादा किया। नीतीश कुमार डेरनी में ऐश्वर्या पिता और लालू के समधी चंद्रिका राय के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे। मंच पर ही मौजूद ऐश्वर्या की तरफ इशारा करते हुए नीतीश ने कहा कि इतनी पढ़ी लिखी महिला है और इनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। लालू या तेज प्रताप का बिना नाम लिए ही कहा कि इस तरह का व्यवहार करना अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई देगा। बाद में पता चलेगा कि लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ पाप करना कितना खतरनाक होता है। लेकिन इसके विपरीत सभा में नीतीश कुमार ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, भीड़ में से कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार ने अपना भाषण रोक दिया। उन्होंने नारे लगा रहे लोगों से कहा, चुप रहिए, आप जिस पार्टी से आए हैं उसका हाल बुरा होने वाला है। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि नारे लगाने वालों को सभा से बाहर निकाल दिया जाए। इतना कहते ही जदयू कार्यकर्ताओं ने भी लाल मुर्दाओं के नारे लगाने शुरू कर दिए। मामला गरमाया तो नीतीश को बोलना पड़ा कि वोट नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन शांत रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ते सियासी तापमान के बीच बहुत चर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। इनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत देने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इनकी ओर याचिका में जमानत के लिए दलील दी गई है कि उन्होंने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 42 माह जेल में गुजार लिए हैं, इस आधार पर उन्हें जमानत दे दी जाए। उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला देकर जमानत देने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने जदयू की सदस्यता हासिल कर ली है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी की उपस्थिति में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते ही जदयू के मुखिया ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करते ही प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया है।
अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद के गोह में कल चुनावी रैली करने गए तेजस्वी यादव पर भीड़ में से दो चप्पल फेंके गए। एक चप्पल तेजस्वी यादव के हाथों में जाकर लगा। चप्पल फेंकने वाला एक दिव्यांग युवक बताया जा रहा है, वो जो खुद को बीजेपी का समर्थक बता रहा था। इसके बाद वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सभा में आए लोगों ने चप्पल फेंकने वालों को पकड़ा। वह ट्राई साइकिल में बैठा दिव्यांग युवक निकला, लिहाजा तेजस्वी समर्थकों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पकड़े जाने के बाद दिव्यांग युवक ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे सभा स्थल के बाहर कर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी दिव्यांग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील करते रहे। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने गए नीतीश के मंत्री पर लोगों ने फेंका गोबर, गंदी गंदी गाली देकर गांव से भगाया। जी हां, श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा लखीसराय के तरहारी गांव में जनसंपर्क अभियान को लेकर लोगों के मिलने पहुंचे थे। मंत्री विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है, लेकिन इनके काम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी असंतोष है। जब मंत्री जी अपने ही इलाके में लोगों से वोट की अपील करने पहुंचे तो उनके ऊपर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोग उन्हें गांव से खदेड़ने लगे। और अंत की सबसे बड़ी खबर, मंगलवार को राजधानी पटना स्थित बिहार सचिवालय में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिहार सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में आग लगी है। आग कैसे लगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आग की लपेटें इतनी तेज थी कि एक साथ 6 कमरों में आग फैल गया। सभी जरूरी कागजात और सामान जलकर खाक हो गए। घटना देर रात की है, रात से ही आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक कमरों से धुआं निकल रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण होगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब